द्वारका में शिफ्ट किया था। यही वो जगह है जो जहाँ पर पूरी सिटी को भगवान सिंह ने शिफ्ट किया था। अभी हम द्वारका के मेन स्क्वायर पर पहुंच चुके हैं और जो रास्ता आपको सामने दिखाई दे रहा है यह सीधा टेंपल के अंदर जाता है और यहीं लेफ़्ट साइड में एक लॉकर है जहां पे आपको सामान डिपॉजिट करवाना होगा। उसके और लेफ्ट में सीधा आप अगर आगे जाते हैं तो आपको आगे जाकर के सुदामा ब्रिज और गोमती रिवर मिलने वाली है सिर्फ 50 मीटर की डिस्टेंस पर। इसके अपोजिट में राइट साइड में काफ़ी सारी होटल्स और रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं। अगर आप स्टे प्लान कर टेम्पल प्रोविंसेस में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है। आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स सभी लॉकर में डिपॉजिट करवाना होगा। अभी हम दर्शन करने के बाद गोमती रिवर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर बीच में आपको काफ़ी सारी शॉपिंग के लिए शॉप्स दिखाई देंगी। यहाँ छोटी छोटी शॉप द्वारका की सुंदरता को और भी बढ़ाती है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे हैंडमेड क्लोथ्स दिखाई देंगे जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। अभी द्वारिका में काफ़ी भीड़ है क्योंकि अभी होलिका का पर्व है और आप अगर किसी त्यौहार के आसपास कभी भी आते हैं तो आपको इसी टाइप का रस देखने को मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपनी होटल वगैरह प्री बुक करें बिकॉज त्यौहार के टाइम पर आपको काफ़ी असुविधाएं हो सकती है। यहाँ पर नीचे की ओर गोमती रिवर है। सुदामा सेतु ब्रिज में आपको इंटर करने के लिए काउंटर से टिकट लेना होगी। अभी हम खड़े हुए हैं सुदामा सेतु ब्रिज पर जहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है मंदिर का घाट का। यहाँ पर सुबह से ही काफी रश रहता है। ब्रिज के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारी बाइक्स और ऊँट दिखाई देंगे जो कि आपको द्वारका बीच तक लेकर के जाते हैं और इनके काफ़ी रीज़नेबल रेट हैं। हम द्वारका बीच अभी ऊँट से जाने वाले हैं और आप भी यहाँ पर आकर के यहाँ के सुंदर नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल सीन है यहाँ का। ऊपर से आपको राइड करते हुए द्वारिका का पूरा मंदिर और समुद्र के साथ काफ़ी अच्छा सीन दिखाई देगा। सामने आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कुछ 150 मीटर की दूरी पर ही बीच है। यहाँ पर आपको कई सारी एडवेंचरस बाइक मिलने वाली है जो कि सिर्फ 150 रुपीज़ चार्ज करते हैं। यह द्वारका बीच है जहां आप अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहां पर आप नहा भी सकते हैं क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा गहरा नहीं है। यहां से समुद्र का बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। समुद्र की ठंडी हवाओं और लहरों के बीच आपको बैठे रहने का ही मन करेगा, आपको दिन पता ही नहीं लगेगा। यह अरेबियन ओशियन है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन एंड बाउंडेड विथ पाकिस्तान, ईरान एंड गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पर बोटिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अभी हम बोटिंग करने वाले हैं और गोमती रिवर जहाँ समुद्र से मिलती है उस जगह तक जाने वाले हैं। का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और यहाँ पर पास में ही एक मंदिर है जिसमें अब हम जाने वाले हैं। यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण का काफ़ी पुराना मंदिर है। इस मंदिर की एक खास विशेषता है, यहाँ पर एक तैरता हुआ पत्थर है जो कि हमेशा आपको तैरता हुआ दिखाई देगा।
अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं। आपको द्वारिका में नॉर्थ और साउथ इंडियन सभी तरह का ब्रेकफास्ट मिलेगा। हमने कुछ समोसे और बड़े ऑर्डर किए हैं जो कि काफ़ी टेस्टी है। हम भेंट द्वारिका की ओर निकल चुके हैं और आप भेंट द्वारिका बस से भी जा सकते हैं जो कि सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है। द्वारिका से 40 किलोमीटर दूर ही भेंट द्वारिका है। जो दृश्य है वो द्वारका से कहीं बेटर है। यहाँ पर नेवी का कोस्ट गार्ड का एरिया भी है जिसके सिर्फ आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर डापूसा बना हुआ है जहाँ पर भेंट द्वारका। यहाँ से आगे आपको बोट से जाना होगा टापू के लिए। लगातार यहाँ से बोट जाती रहती है जो कि सिर्फ 20 रुपये चार्ज करते हैं टापू तक जाने के लिए। हम भेंट द्वारिका टापू पर आ चुके हैं और अभी मंदिर की ओर जा रहे हैं जो कि 500 से 700 मीटर दूर है। यहाँ से आपको मंदिर तक पैदल जाना होगा। मंदिर के लिए आपको इस छोटी सी गली से गुजरते हुए जाना होगा जो कि काफ़ी कंजेस्टेड है और यहाँ पर काफ़ी सारी छोटी छोटी शॉप्स भी हैं। यहाँ भेंट द्वारिका मंदिर का मेन द्वार है। अभी हम दर्शन के लिए जाने वाले हैं और यहाँ पर भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यहीं डिपॉजिट होंगे।